हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्स फ्लेवर्स किचन। आज हम बनाएंगे एक्जॉटिक क्रीम चीज़ कुकीज़। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून फ्लेक्सी पाउडर। इसे में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून पानी, गर्म पानी, और इसे मिक्स करके रखेंगे। ये मैंने लिया है 100 ग्राम बटर। इसमें हम डालेंगे 40 ग्राम क्रीम चीज़, 30 ग्राम ब्राउन कैस्टर शुगर एंड 75 ग्राम वाइट कैस्टर शुगर। इन्हें हम बीट कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे अपना फ्लेक्सी पाउडर जिसे हमने गर्म पानी में घोला था, और इसे भी बीट कर लेंगे। हमारा ये बैटर काफ़ी फ्लफी हो गया है। अब हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल लेंगे। हम इसमें डाल लेंगे 150 ग्राम मैदा, 10 ग्राम मिल्क पाउडर, आधा चम्मच हम डाल लेंगे कॉर्नफ्लोर एंड 1/4 and 1/8 टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग सोडा एंड 1/4। ये मैंने ली है चॉप की हुई मिल्क चॉकलेट 40 ग्राम, इसे भी इसमें डाल लेंगे। 8-10 हम डाल लेंगे ओरियो बिस्किट क्रश करके, क्रीम के साथ ही क्रश किया है इसे हमने, इसे भी इसमें डाल लेंगे। और इनका एक हाथ से डो बना लेंगे। एक चुटकी हम इसमें डाल लेंगे नमक। हमारा डो बन गया है, इसे हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए, फिर हम इसकी बनाएंगे कुकीज। हमारा कुकी डो सेट हो गया है, इसकी हम बना लेंगे बॉल्स। इसके ऊपर हम एक पीस लगा लेंगे ओरियो बिस्किट का, और थोड़ी सी हम लगा लेंगे मिल्क एंड डार्क चॉकलेट। एक बॉल हम और बना लेंगे, इसके ऊपर एक ओरियो का पीस, और थोड़ी सी हम लगा लेंगे चॉकलेट। इस तरह से हम अपनी सारी बॉल्स को बना लेंगे। हमने अपनी कुकी डो की बॉल्स बना ली हैं। अब हम इसे फिर से 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद हम इसे 160 या 170 डिग्री पे प्री हीटेड ओवन में 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। हमारी कुकीज़ बेक हो गई हैं, थोड़ा ठंडा होने पे हम इन्हें निकालेंगे। हमारी क्रीम चीज़ कुकीज़ बनके तैयार हैं। आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए।